भी आए ना कमाई जाओ है। देखो देख वैसे ही सर्वे को गलत है, सर्वे को हम लोग सही नहीं मानते हैं। ये घर में बैठ के सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया है, और ख़ास करके हमारे जाति, जिस जाति से मैं आता हूँ पासवान समाज का, पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नवरात्रि चल रही है और ऐसे में लोग माँ दुर्गा का पूजा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा के लिए पंडालों में अब भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि बीते दिनों सप्तमी के दिन से माँ की कपाट खुल गई है और लोग पूजा पंडाल में पहुँच रहे हैं। ऐसे में बता दें कि पटना का सबसे विख्यात और सबसे प्रसिद्ध और सबसे भव्य पूजा पंडाल है, वो है डाक बंगला चौराहा का पूजा पंडाल, जहाँ तमाम नेता भी पहुँच हैं। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहुंचे हुए हैं, सांसद समस्तीपुर से सांसद जो है प्रिंस राज वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन जहां एक तरफ दुर्गा पूजा की धूम दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये नेता राजनीति करने में पीछे नहीं हट रहे। बीते दिनों पहले रविशंकर प्रसाद पहुंचते हैं, वो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं, और अब पशुपति पारस भी आज यानी अष्टमी के दिन जो है डाक बंगला चौराहे के पूजा पंडाल पे पहुंचे हुए हैं। वहाँ माँ को, माँ की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, माँ के सामने जो है अर्चना करते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। इतना ही नहीं, जाति आधारित गणना को लेकर के भी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि अरे हमारे घर तो छोड़ दीजिए, हमारे प्रखंड, हमारे मोहल्ले में भी कोई नहीं आया था हमारी जाति के बारे में पूछने के लिए, तो भला जाति आधारित गणना हो के कैसे गई? ये पूरी गणना ही झूठी है, ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं ये आंकड़े ही झूठे हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे जाति हैं जिनको, जिन्हें शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उनसे जब सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान कई जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर पशुपति पारस कहते हैं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन पासवान जाति के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है, क्योंकि पासवान जाति बहुत है लेकिन यहाँ संख्या कम करके बताई गई है। तो देखिए, जाति आधारित गणना पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है, आए दिन विवादों से भरा बयान नेताओं का सामने आ जाता है। अब ऐसे में पशुपति पारस ने भी जाति आधारित गणना को लेकर के बड़ा बयान दिया है, इस गणना को, इस आंकड़े को झूठा जो है साबित करवाया है। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस? पूरे बिहार में पूरे परिवार के लिए माँ दुर्गे से मैंने आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद मुझको मिला भी है। जहाँ तक राजनीतिक चर्चाएं का सवाल है, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी का बयान आया है कि कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ा जाए, मैं इस संबंध में यहाँ कि जब आपने सर्वे कराया, वैसे ही सर्वे को गलत है, सर्वे को हम लोग सही नहीं मानते हैं। ये घर में बैठ के सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया है, और ख़ास करके हमारे जाति, जिस जाति से मैं आता हूँ पासवान समाज का, पासवान समाज के आज 10 वर्ष पहले से 7% की आबादी, उसको आपने घर बैठ करके 5.31% आबादी कर दिया। इसलिए कि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, ठीक ना? फिर भी जो आपका सर्वे है, सर्वे के मुताबिक 20% तकरीबन दलित है, और दोनों मिला के आदिवासी और शेड्यूल कास्ट मिला के 22%। हमारा बिहार सरकार से मांग है कि आप अपने सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आप आरक्षण मुहैया कराएं। चलिए, सवाल खास जातियों को सर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग की गई है, ये सवाल आपसे बनता है सर। किसने मांग की? चिराग पासवान ने मांग की है। मैंने तो न्यूज नहीं सुना है, जिन्हें चिराग पासवान ने आज टॉपिक यही रखी है, आज जाति में और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में जो सर्वे हुआ, जिसको आप लोग जनगणना कहते हैं, ये जनगणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे के मुताबिक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बिहार में वैसे घटा के किया गया है, मैं सर्वे को नहीं मानता। फिर भी बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 22% आबादी है बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, उसमें दलित कहिए, महादलित कहिए, ट्राइब्स कहिए, जो भी कहिए। तो हमारा बिहार सरकार से ये डिमांड है कि तुम आप आबादी के आधार पर जब आप जनगणना कराए हो, सर्वे कराए हो, तो जिस जात की जितनी आबादी है उसके आधार पर आप उस जात को आरक्षण दीजिए। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, वो राजनीतिक दूसरे जाति को दलित
करना है तो उतनी हमको उस आबादी के हिसाब से हमको आरक्षण में सुविधा दे। जैसे आज मान लीजिए कि हमारा 22% है और दूसरे समाज के लोग यदि दलित बनाना चाहते हैं या आदिवासी बनाना चाहते हैं तो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर दलित और आदिवासियों की संख्या बढ़ाई जाए तब मैं मानूँ। इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी कोई आज यहाँ दुर्गा माता जी के शरण में आए हैं और पूजा अर्चना हम लोगों ने आज किया है और प्रदेश और देश की सुख शांति के लिए, विश्व में सुख शांति कायम रहे उसके लिए प्रार्थना किया और सभी के जीवन में खुशहाली आए इसकी प्रार्थना हम लोगों ने आज की है।